रूस यूक्रेन युद्ध की आग भले ही 2022 से शुरू हुई हो, मगर इसकी पटकथा उससे पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक तरफ जेलेंस्की को नाटो में शामिल होने की जिद थी, तो वहीं पुतिन नाटो सेनाओं ने उनकी चौखट पर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। और रूस इस बात से वाकिफ था कि जंग में वो समय के साथ अच्छी बढ़त बनाकर यूक्रेन को पीछे ढकेल देगा। और इस जंग के दौरान रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमाया, उनके सैन्य बेस पर अपना झंडा लहराया। ऐसे ही रूसी सेना जंग में आगे बढ़ रही है और यूक्रेन को छका रही है। पुतिन के बढ़ते आक्रामक रुख के चलते रूसी सेना यूक्रेन के और अधिक इलाकों पर कब्जा करती चली जा रही है। इसी कड़ी में रूसी सैनिक डोनेस्क ओब्लास्ट औद्योगिक केंद्र पोक्रोवस्क की ओर आगे बढ़ रहे हैं। डोनेस्क के पश्चिमी भाग में तीन प्रमुख राजमार्गों के बीच में बसा ये शहर गैरिसन है, और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जिसे रूसी सेना भेदने में लगी है। यूक्रेनी रेडियो स्वेबोडा समाचार आउटलेट ने लिखा, पिछले 24 घंटों में 150 रूसी हमलों से लगभग आधे डोनेस्क के पश्चिम उत्तर पश्चिम में मोर्चों के 40 से 50 किलोमीटर के हिस्से पर हुए ये मोर्चे का वह हिस्सा है जहां रूसी सैनिकों ने साल की शुरुआत में अपनी सबसे बड़ी प्रगति की है। अब दिविका शहर पर कब्जा कर लिया है और पोक्रोवस्क की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा अवदिविका से पश्चिम की ओर जाने वाले रेल पटरियों के साथ है। इस खबर ने जेलेंस्की की टेंशन को हाई कर दिया है, क्योंकि उनके हाथ से अब यूक्रेन फिसल रहा है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए यूक्रेनी पत्रकार यूरी बुटुसोव ने एक पोस्ट में लिखा कि पिछले 7 दिनों से दुश्मन मिर्नोग्राद पोक्रोवस्क की दिशा में 6 किलोमीटर आगे बढ़ गया है और वह निप्रा पेट्रोवस्क क्षेत्र से पहले रक्षा का अंतिम जुला है। दुश्मन बहुत करीब है, स्थिति गंभीर है, क्योंकि दुश्मन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो चिंता का कारण है। बुटुसोव ने लिखा कि रूसी सैनिक मिर्नोग्राद से सिर्फ 14 मील दूर है और पोक्रोवस्क से लगभग 5 मील पूर्व में, जो यूक्रेन का महत्वपूर्ण रसद केंद्र है। इस पर कब्जा करने से उस शहर को बहुत बड़ा खतरा होगा। बुटुसोव ने यह भी कहा कि रूस उस मोर्चे के कुछ हिस्सों में खराब यूक्रेनी नेतृत्व का फायदा उठा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कमांड सबसे पहले उन ब्रिगेड पर हमला करता है जिनका प्रबंधन और संगठन सबसे कमजोर है, और जब खराब प्रबंधन वाले दल पर हमला किया जाता है तो वह नहीं बच पाता। आपको बता दें कि पोक्रोवस्क शहर यूक्रेन के फ्रंटलाइन शहरों में से एक है, जिसके चलते यह रूस के निशाने पर रहता है। यूक्रेन के इस शहर में ही उसके युद्ध से जुड़े बड़े बड़े काम होते हैं। यूक्रेन के हथियार और दूसरे खेप यहीं उतरते हैं। साथ ही इस शहर को यूक्रेन का एक अहम मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सड़कों और रेलवे के एक चौराहे पर स्थित है, जो इसे सेना और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। अवदिविका शहर पर कब्जे के बाद पुतिन का मेन टारगेट अब पोक्रोवस्क शहर है, क्योंकि नाटो देशों से आने वाली तमाम मदद का सेंटर यही है। और अगर रूसी सेना का कब्जा यहां हो गया तो इसे जंग में पुतिन के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा, और इससे यूक्रेन की बहुत बड़ी हार भी हो सकती है। रूस ने हवा से, जमीन से और सैन्य बल से यूक्रेनी सेना और वहां के क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के पास भले ही पश्चिमी देशों और अमेरिका का साथ है, लेकिन सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के लिए जंग में टिके रहना अब मुश्किल नजर आ रहा है। रूस आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के 5 से 6 हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें उसका महत्वपूर्ण शहर अवदिविका भी शामिल है। रूस ने अब तक यूक्रेन के क्रीमिया, डोनेस्क, लुहानशक, जापोरिजिया और खेरसान पर कब्जा किया है। यूक्रेन के पास भले ही पश्चिमी देशों और अमेरिका का साथ है, लेकिन जंग में जिस तरह रूसी फौज आक्रामकता के साथ अटैक कर रही है, उससे यूक्रेन को काफी नुकसान हो रहा है। कई मोर्चों पर तो यूक्रेनी सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि रूसी सेना जल्द ही यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में लेकर जेलेंस्की को घुटनों के बल खड़ा कर दे।